पार्टी, क्या आपको पता है कि 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था? 2008 में दो सबसे बड़ी चीजें हुई थी। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिसका नाम था रिसेशन। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई थी वो थी एयरबीएनबी की स्थापना। दोस्तों, आज एयरबीएनबी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि उसका एनुअल रेवेन्यू $6 बिलियन से ज्यादा का है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज एयरबीएनबी इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी किस वजह से बनी है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एयरबीएनबी ने काफी सारे फंड्स रेस किए थे, एयरबीएनबी की लीडरशिप बहुत अच्छी थी। लेकिन आप सब लोग सरासर गलत हो, क्योंकि एयरबीएनबी के सक्सेसफुल होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है उसकी टाइमिंग। दोस्तों, 2008 में जब एयरबीएनबी स्टार्ट हुई थी तो कोई भी इन्वेस्टर एयरबीएनबी को फंड्स देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सारे इन्वेस्टर्स का यह कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी पर्सन अपने घर को किसी स्ट्रेंजर को रेंट पर देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। लेकिन कंपनी के स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही 2008 में रिसेशन आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस तबाह हो जाते हैं, लोगों की जॉब चली जाती है, लोग अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जब बंदों को एयरबीएनबी के बारे में पता लगता है तो सारे लोग अपने घरों को एयरबीएनबी पर लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से एयरबीएनबी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह के और अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।